हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं 12 ऐसे टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपकी आईसाइट में इजाफा होगा। तो चलिए जानते हैं ये टिप्स। टिप नंबर 1, जीरे और मिश्री को बराबर मात्रा में पीस लीजिए। इस मिश्रण का रोज़ एक चम्मच देसी घी के साथ खाएं। एक महीने तक इसका प्रयोग करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। टिप नंबर 2, रोज़ रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश ज़रूर करें। टिप नंबर 3, रोज़ दिन में 2-3 कप ग्रीन टी पिए। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं और उन्हें हेल्दी रखते हैं। टिप नंबर 4, रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उस पानी को छान लें और उस पानी से अपनी आँखों को धोएं। ये नुस्खा भी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है। टिप नंबर 5, रोज़ रात को 5 से 7 बादाम पानी में भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट इन्हें खाएं। टिप नंबर 6, 3 से 4 हरी इलायची को 1 चम्मच सौंफ के साथ पीस लें और इस मिक्सचर को 1 ग्लास दूध के साथ कंज्यूम करें। टिप नंबर 7, रोज़ 1 ग्लास गाजर का जूस पिएं। गाजर में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। टिप नंबर 8, 1 चम्मच सौंफ, 2 बादाम और 1/2 चम्मच मिश्री को पीस लीजिए। इस मिश्रण को रोज़ रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध के साथ लीजिए, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। टिप नंबर 9, कनपट्टी पर देसी घी की हल्के हाथ से रोज़ाना 5 से 7 मिनट तक मसाज करें, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। टिप नंबर 10, रोज़ाना पालक, मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाएं। टिप नंबर 11, रोज़ाना आंखों के चारों तरफ अखरोट या बादाम के तेल से मालिश करें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। टिप नंबर 12, रोज़ाना सुबह 5 से 10 मिनट हरी घास पर नंगे पैर चलें, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर हिट करना मत भूलें। आप कमेंट करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने सोशल सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को, मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सकें। एक अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, Always be happy and take good care of yourself. Thank you for watching my video. Bye.